तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है, और ये कपड़ा देखिए हमारा कढ़ाई करा हुआ है, देखिए कितना सुंदर इसमें कढ़ाई करी हुई है। ये वाली कढ़ाई हम नीचे की तरफ रखेंगे घेर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आगे वाले पल्ले की कटिंग करनी है, तो कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके बिछाएंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। नीचे वाला कपड़ा हमारा नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से छोड़ के इसकी लंबाई नापेंगे, तो लंबाई हम 23.5 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ शोल्डर सिलने में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें शोल्डर की चौड़ाई रखनी है 11 इंच, तो 11 को आधा करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर आएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, और यहाँ से आरमोल की लंबाई नापेंगे। तो आरमोल की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच, तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से हल्की सी गुलाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 13 इंच, तो 13 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे 9 इंच पर हिप के लिए, और दूसरा निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। तो यहाँ पर आपको दो निशान लगाने हैं, ठीक है। और हिप की चौड़ाई भी हम 13 इंच रखेंगे, तो 13 के आधे हुए 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से कमर की चौड़ाई नापेंगे, तो कमर की चौड़ाई हम रखेंगे 12 इंच, तो 12 को आधा करेंगे तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे, और तीनों निशान को इस तरह से मिला देना है। और 60 में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे, और नीचे से इस तरह से सीधा कर देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें कपड़े को सीधा कर देना है। यहाँ पर हमारे जो फ्लोवर हैं वो हम पीछे की तरफ भी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं। तो इस तरह से इसको अच्छे से फोल्ड करके बिछाएंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को बिछा लिया है, अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को रखेंगे। इसके ऊपर रखना है बिल्कुल एक बराबर, ठीक है। और यहाँ पर हमें सेम निशान लगाना है। आरमोल की गोलाई हमें यहाँ पर 1.5 इंच रखनी है, और 60 में सेम निशान लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर आरमोल की गोलाई रखी है, अब हम यहाँ पर इसी के बराबर कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। पीछे की तरफ देखिए हमारे इस तरह से फ्लावर आएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे, और दूसरी तरफ भी हमें फिटिंग वाला निशान लगा देना है। तो 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, और हिप की चौड़ाई हमारी 13 इंच है, तो हमने 13 इंच पर निशान लगाया है।
और कमर की चौड़ाई हमारी 12 इंच है तो हमने 12 इंच पर निशान लगाया है, और सीने की चौड़ाई भी हमारी 13 इंच है तो हमने 13 इंच पर निशान लगाया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। यहाँ पर हमें कपड़े को सीधा कर देना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए, और बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है जिसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, और यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से बाजू की गुलाई करेंगे और बाजू की चौड़ाई हम रखेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, और बाजू की जो हमारी मोरी है वो हम 4 इंच रखेंगे। तो 4 इंच पर निशान लगाएंगे, और साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन भी लेना है तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमें हल्की सी गहराई देनी है। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड रहेगा। तो हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर हमने कपड़े में गले को चिपका लिया है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा गला है इसकी चौड़ाई हमने 7 इंच रखी है और लंबाई 5 इंच रखी है, ठीक है। तो हमें साइड में इस तरह से फोल्ड करके पहले सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है। बचे हुए कपड़े की सफाई के साथ कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर इस गले को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बी सेंटर पर हमें निशान लगाना है, और फिर हमें एक कट भी लगा देना है बिल्कुल बी सेंटर पर। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर सूट को लेंगे और इसको बराबर रखेंगे, और इसमें भी हमें बी सेंटर पर निशान लगाना है। तो इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे, और जो हमारा गला है इसको हमें इस तरह से रखना है, ठीक है, दोनों कट को मिला के, और फिर गुलाई में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट हम इस तरह से लगाएंगे कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने गले को सिल लिया है इस तरह से, और जो हमारा बीच में बुकरम कटिंग किया है तो इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर लिया है, इसके ऊपर हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग को रखेंगे और इसी के बराबर हमें कटिंग करना है, ठीक है। जो हमारा मेन गला है इसकी चौड़ाई हमारी 5 इंच है और लंबाई हमने 2.5 इंच रखी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने पेपर कटिंग किया है। अब हम इसी में डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसको इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे
और फोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। यहाँ पर हमें इस तरह से छोटी छोटी पट्टियाँ कटिंग करनी है, ठीक है। तो देखिए हमने इतनी सारी पट्टियाँ कटिंग करी हैं, तो अब हम इसी से डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर को लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बी सेंटर पर कट लगाएंगे। यहाँ पर भी कट लगा देना है। तो बी सेंटर से ही हमें डिजाइन बनानी है, ठीक है। तो इस तरह से पट्टी को रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। ऊपर से हमें पास पास में पट्टी को सिलना है और नीचे से हमें आधा इंच की दूरी पर पट्टी को सिलना है, ठीक है। तो हमने आधी साइड में पट्टी को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी पट्टी को सिला है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूट को लेंगे और सूट को हमें इस डिजाइन के ऊपर रखना है और रखने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। आप चाहे तो पिन लगाकर भी सिलाई लगा सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। इसमें हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने देखिए दूसरी सिलाई को भी लगा लिया है और यहाँ पर जो हमारा आगे वाला गला है वो सिलकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले गले को तैयार करेंगे। तो देखिए पीछे वाला गला हमने पान शेप में कटिंग किया है, इसको हमने कपड़े पर चिपका लिया है। तो इसको हमें यहाँ पर साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे 5 इंच, तो 5 को आधा करेंगे तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की लंबाई हमें 1 इंच रखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने गले की लंबाई 1 इंच रखी है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और यहाँ पर भी हम बी सेंटर पर निशान लगाएंगे, इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे। और जो हमने गले की पट्टी तैयार करी थी तो उसको हमें देखिए इस तरह से रखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें बी सेंटर पर सिलाई लगानी है। और फिर पूरे में सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से।
तो हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे अच्छे से, और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, तो हमने देखी सिलाई को लगा लिया है और पीछे वाला भी गला हमारा सिलकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर सिलेंगे, तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलर सिलेंगे। तो पहले हम कॉलर की लंबाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कॉलर की लंबाई है वो 12.5 इंच है। तो यहाँ पर हमने एक बुकरम की पट्टी कटिंग करी है, इसकी देखिए लंबाई हमने 12.5 इंच रखी है और चौड़ाई 1.5 इंच है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कॉलर की पट्टी को कपड़े के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और फिर दोनों तरफ से हमें साइड में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हमें एक बड़ी सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को तैयार कर लिया है। अब हम इसको सूट में सिलेंगे, तो सूट को हमें उल्टा रखना है और जो हमारा कॉलर है इसको सीधा रखेंगे और देखिए कुछ इस तरह से हमें कॉलर को सिल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉलर को सिल लिया है। इसमें जो सिलाई लगी है उसको अंदर की तरफ करेंगे और दाब सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और जो हमारा कॉलर है वो सिलकर तैयार हो गया है। इसमें हम डोरी भी लगा लेंगे और जो बड़ी सिलाई है उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीछे की तरफ डोरी भी लगा ली है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइड की फिटिंग करेंगे। तो पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखना है। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है।
दोनों तरफ से देखिए इस तरह से, और साथ में हमने कट भी लगा दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने कट लगाया था तो उतना हमें फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरह से, और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चाक से लेंगे। तो कपड़े को देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है, ठीक है, दो बार, और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक तरफ से चाक को सिल लिया है। और दोस्तों सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है कि दूसरी तरफ भी चाक को सिल लेना है। तो हमने देखिए फोल्ड करके दूसरी तरफ भी चाक को सिल लिया है और नीचे से भी हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूट को लेंगे और जो हमारा बाजू में कट है वो हम कट शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है, इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 4 इंच है तो 4 इंच पर हमें निशान लगाना है, इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बाजू को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू सिल लेनी है। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। इस तरह से हमारी दोनों बाजू सिलकर तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।